श्री राम समर्थ अक्टूबर 26। भगवत कृपा का रेला यानी क्या? जब कोई भी बीज बोना हो तो वह बहुत शुद्ध हो, मतलब बीज न सड़ा गला और न घुन लगा हुआ हो। भगवान के अलावा किसी भी अन्य फल की अपेक्षा से की हुई भक्ति सड़े हुए बीज तरह होती है। शुरू शुरू में ही उत्तम बीज पैदा होगा ऐसी बात नहीं है, किंतु प्रयत्न से यह बात सध सकती है। कई बार मनुष्य लौकिक सुख की इच्छा से भक्ति करना प्रारंभ करता है, मतलब कि वह उस वक्त सड़ा हुआ बीज बोता है। प्रारंभ में इस प्रकार का कोई कारण होता ही है, किंतु थोड़ा सोचने पर शुद्ध बीज बोना जरूरी है ऐसा चित्त को लगता है। भगवान की अनन्य भाव से प्रार्थना करें। वर्षा होना या न होना पूर्णतया भगवान की इच्छा पर निर्भर होता है, और वर्षा यथा समय होता भी है। जरा सोचो, कोई खेत यदि गहरा है तो उसमें पानी इतना जमा होगा कि उसे यदि बाहर नहीं फेंका गया तो पूरी फसल सड़ जाएगी। उसी प्रकार भगवान की कृपा का रेला यदि जबरदस्त होगा तो बांध तोड़कर उसे बाहर बहा देना उचित होगा। ऐसा करने में जो अधिक पानी हो गया था उसे बाहर फेंकने से फसल न सड़ते हुए अच्छी आती है, और दूसरी बात, जो पानी बाहर निकाल कर फेंका गया था उसे आसपास के खेत में पानी रिसकर फसल अच्छी आने में सहायता होती है। बांध तोड़कर पानी बाहर फेंकने का मतलब ही यह है परोपकार। साधक की जैसे जैसे प्रगति होगी वैसे वैसे उसे सिद्धि प्राप्त होगी। जो वाणी मुख से निकलेगी वह सच होगी। दूसरे के मन में क्या विचार है वह समझता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अदृश्य गति से जाना आदि बातें होने लगती हैं। ऐसी स्थिति में मोह के वश में न आकर उस शक्ति का उपयोग स्वार्थ के लिए न करते हुए जागृत रहना सीखे। यदि ऐसी शक्ति का उपयोग करना ही हो तो दूसरों पर उपकार करने और दूसरों का काम करने में हो। इसी को बांध तोड़कर पानी फेंकना कहते हैं। समझदार आदमी को अपना सुख बाह्य वस्तुओं पर निर्भर न रखने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। बाहर की वस्तु यदि छूट गई तो भी मन को दूसरी बात देना जरूरी होता है, और यह वस्तु है भगवान। भगवान सदा अस्तित्व रखने वाला स्वयं पूर्ण और आनंदमय होने से उसका चिंतन करते करते मन में उसके गुण रिसते हैं, अर्थात मन भगवान के चिंतन से आनंदमय बनने पर उस मनुष्य का जीवन कितना मंगल होता होगा इसकी कल्पना करे। मैं उसका हूँ और यह सब उसका है ऐसा भान हमेशा हो, इसमें असीम आनंद है। आज के मुख्य विचार, शुद्ध अंतःकरण से नामस्मरण किया तो भगवान की कृपा का अनुभव होगा। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ। Mm-hmm.